रामगोपाल यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। इसे लेकर सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर और प्रसपा मुखिया शिवपाल सिंह यादव लगातार अखिलेश यादव पर हमले बोल रहे हैं, तो वहीं अब मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने भी अपने ससुर रामगोपाल यादव पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और न्याय व्यवस्था सभी के लिए बराबर है। अपर्णा यादव ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के कारण ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। उनके बुलडोजर मॉडल की तारीफ देश और दुनिया में हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई भी व्यक्ति मुलाकात कर सकता है, वह प्रदेश के मुखिया हैं। रामगोपाल यादव के पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें केवल दो लोगों का नाम शामिल किया गया। सपा की ओर से जिस प्रकार से सरकार पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया जा रहा था, उनके मौलिक अधिकारों के हनन की बात हो रही थी, ये सरासर गलत है। ये मैं समझती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्रदेश के मुखिया से मिलना चाहता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, तो लोकतंत्र में उसको आज़ादी है। यहाँ तो जो है सभी लोग आदरणीय महाराज जी से मिलने के लिए, योगी जी से मिलने के लिए लालाहित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। तो मैं समझती हूँ अपनी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने भी अपना एक माध्यम चुना और जो है उन्होंने अपनी बात रखी और महाराज जी ने उसे सुना। देखिए, ये पत्र ऑलरेडी जिस तरह से बाहर पब्लिक हो गया है कि मुख्यमंत्री जी को क्या पत्र ज्ञापन सौंपा गया, क्या चीज़ें बात हुई, उस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उस पत्र में दो ही व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है। मैं समझती हूँ आदरणीय मोदी जी के शासन में कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी हुई है और सुगढ़ रूप से मुझे लगता है सभी को न्याय मिल रहा है। अगर किसी भी तरीके से प्रदेश में या देश में कानून को कोई भी आच्छादित करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए दंड नियम बने हुए हैं, उनका पालन कराया जाएगा।